आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा शानदार होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक लिखे हुए हैं, इनका अणुभार यानी कि आणविक द्रव्यमान आपको निकालना बताएंगे बिल्कुल जीरो लेवल से, क्योंकि 12th क्लास की केमिस्ट्री में और BSc की केमिस्ट्री में इसका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा यूज है। इसलिए इन चीजों को सीख लो, क्योंकि बड़े बड़े सवाल आएंगे। 12th क्लास की यदि मैं बात करूँ स्पेशली, तो उसमें आपका 10 से 12 नंबर के न्यूमेरिकल्स आते हैं और उनमें न्यूमेरिकल्स में इन चीजों का बहुत बड़ा यूज है। किसका? अणुभार का। अणुभार कैसे निकलता है? अणुभार निकालना आएगा तभी आप तुल्यांक की भार निकाल लोगे, तो तुल्यांक की भार के लिए भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। और देखो यहाँ पे आजकल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने यौगिक लिखे हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, जैसे लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है, मार्स गैस का क्या होता है, और आपका सिरका क्या होता है, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, व्रंचक चूर्ण क्या होता है, ठीक है। इस तरीके की चीजें हैं, उनको बहुत ही जीरो लेवल से सीखेंगे, ठीक। चलिए सबसे पहले तो ये जान लो, देखिए अणुभार, अणुभार को आणविक द्रव्यमान, ठीक है, या आपका मॉलिकुलर वेट या मॉलिकुलर मास या एटॉमिक मास, ठीक है, या मोलर मास के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। पहली चीज तो ये समझ लो। अब निकालते कैसे हैं इस चीज को, उसके लिए आपको जैसे कि जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, जैसे कोई भी यौगिक जो होता है, ऐसा समझ लो ये कोई यौगिक है, कोई तत्व है, कोई ये क्या है आपका तत्व है, और उस तत्व का यहाँ पर जो लिखा रहता है, यहाँ पर लिखा रहता है उसका परमाणु क्रमांक, परमाणु यहाँ पर लिखा होता है क्रमांक, और यहाँ पर होता है परमाणु भार, यानी कि परमाणु भार कह दीजिए या इसका अणुभार कह दीजिए या इसका आणविक द्रव्यमान कह दीजिए। जैसे कि आपका मैं कहूँ सोडियम है, सोडियम 11 है, ऊपर लिख देंगे 23, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ वाली चीज इसकी परमाणु क्रमांक है, ऊपर वाला ये क्या है इसका परमाणु भार है, ये क्या है परमाणु भार है, और ये आपका तत्व तो हो गया, ठीक है। पहली चीज तो ये चीज समझ में आ गई आपको। अब निकालते कैसे, ऐसे हर तत्व का अपना अलग परमाणु द्रव्यमान होता है और उसका परमाणु क्रमांक भी अलग अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी एक होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान भी एक होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और ये इसका जो भार है वो कितना है, 12 है। ऐसी एन का 14, ये इंपोर्टेंट लिख दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 को याद कर लो, बाकी एक दो और आएगा, वरना इन 10 से ही पूरी नहीं मैं कहूंगा, बहुत इंपोर्टेंट सारे इन 10 से याद हो, 10 से ही हो जाते हैं, बाकी इनको याद कर लीजिए। जैसे कैल्शियम का क्रमांक 17 होता है लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 35.5। अब मैं परमाणु द्रव्यमान बोलूं, परमाणु भार बोलूं, अणुभार बोलूं या आणविक द्रव्यमान बोलूं, बात एक ही है, ठीक है। चलिए पहली चीज, हम अम्लराज, अम्लराज किसे कहते हैं, अम्लराज कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को, ठीक है। अम्लराज, अम्लों का राजा किसके नाम, अम्लों का राजा कौन होता है, केमिस्ट्री में अम्लों का राजा बोला जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। इसका सूत्र क्या होता है, H2SO4। अब इसका हम अणुभार निकालेंगे, अणुभार के लिए आपको क्या है, सूत्र जरूर पता होना चाहिए, सूत्र H2SO4। अब देखिएगा H के कितने अणु हैं, 2 हैं, S का 1, O के 4। इस चीज को जरा ध्यान से समझो, H का वैसे अणुभार कितना है, 1 है, 1 ले लिया, क्योंकि H के 2 अणु हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या कर दी, 2 की मल्टीप्लाई कर दी। फिर प्लस, सबको प्लस करते चलेंगे भाई, एक चीज याद रखिएगा, एस, एस का कितना है, एस का है 32, क्योंकि एस अकेला है तो अकेले को गुणा एक की करो या मत करो कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस ओ, ओ है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का परमाणु कितना है, परमाणु भार, इसका ये समझ लीजिए, ये है इसका परमाणु भार या इसका बोल दे अणु भार, ठीक है। और ये तत्व है, ठीक है, याद रखिएगा। तो अब ओ, ओ का कितना है, 16 है, 16, और गुणा कर देंगे हम कितने की, 4 की, 4 की गुणा कर दी, 4 की क्यों करिए, क्योंकि इसमें 4 अणु हैं ऑक्सीजन के, ठीक है। एक बार और फिर से सीख लो, हाइड्रोजन का 1 गुणा कर दिया 2, क्योंकि 2 अणु हैं, एस अकेला है 32, ओ का 16 होता है परमाणु भार, लेकिन इसमें कितने, 4 अणु हैं, तो 4 की मल्टीप्लाई। अब 2 × 2 प्लस 32 प्लस 16 × 32 = 64, यानी 16 × 4 कितने हो गए, 64, इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 32 और 34, और 34 में हम 64 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 9 = 98, ठीक है। तो ये चीज आपको याद हो जानी चाहिए, क्या चीज याद हो जानी चाहिए, कि भैया इसका जो अणुभार है वो कितना है, 98 होता है, ठीक। चलिएगा अब
बात आ जाती है यूरिया की। यूरिया यूरिया क्या है, यूरिया के बारे में भी एक खास बात समझ लो, प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, वो है यूरिया। ठीक है, क्या यूरिया, यूरिया से पहले ये माना जाता था, वर्जिलियस एक वैज्ञानिक थे, वो मानते थे कि भैया जीवों में एक रहस्यमय शक्ति पाई जाती है जिसको हम जैव शक्ति कहते हैं, और उसको हम लैब में नहीं बना सकते, अर्थात कार्बनिक यौगिकों को हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। ये जैव शक्ति सिद्धांत था किसका, वर्जिलियस का। उनके ही एक छात्र थे, शोधकर्ता छात्र वोल्हर, तो वोल्हर ने लैब में सबसे पहले क्या बना दिया, ये बना दिया यूरिया। और यूरिया एक क्या है, कार्बनिक यौगिक है, तो उनके जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन हो गया था। समझ में आती बात, चलिए इस चीज को समझते हैं। तो ये अपने आप में खास यौगिक है, लैब में बनने वाला प्रथम यौगिक, ठीक है, प्रथम कार्बनिक यौगिक। ठीक, चलिएगा, अब इसका हमको क्या करना है, अणु भार निकालना है। कैसे निकालेंगे, एन, एन का कितना, 14 है, एन का 14 है, क्योंकि एन अकेला है, प्लस लगा दो। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना, एक, क्योंकि दो अणु है तो हमने क्या लगा दिया, दो की मल्टीप्लाई कर दी। फिर सी, सी क्या है, कार्बन, कार्बन की जगह पर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, फिर प्लस क्योंकि अकेला है। फिर ओ, ओ की जगह पर क्या लगा देंगे, 16, फिर गुणा कर देंगे क्योंकि ये अकेला है तो अकेले में गुणा करने की कोई जरूरत है नहीं। फिर प्लस एन, एन की जगह पर कितना, 14 है, प्लस क्योंकि एन भी अकेला है। और फिर एच, एच कितना है, एच है आपका 1, गुणा और 2 की मल्टीप्लाई, क्योंकि एच का होता है 1 परमाणु द्रव्यमान, और इस पर 2 लगा दी क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई कर दी, बाकी और भी होते तो सबको जोड़ते चले जाते। अब जोड़ लो इसको, ये 14 है प्लस 2 एकम 2 प्लस 12 है प्लस 16 है प्लस 14 है प्लस 2 एकम 2, तो कितना हो जाएगा, देखिए 14 और 2 16, तो 16 और ये भी 16, 16 एकम 16 16 32 16 48 48 49 50 10 60, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। किसका अणु भार आ गया, ये इसका अणु भार, समझ में आई बात नहीं आई, तो इसका अणु भार कितना आ गया, 60 आ गया ये, ठीक है, क्लियर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक, चलिए बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा, है आपका, देखिएगा ये इसका अणु भार, चलो सी, सी टू, सी टू का मतलब क्या, सी का कितना है, 12 है, गुणा 2 लगे हुए हैं 2 प्लस, ठीक है, एथिल अल्कोहल, अल्कोहल को समझते ही हो, एथिल अल्कोहल, ठीक है, दारू में जो मिलता है उसमें मेथिल अल्कोहल नहीं मिलता, एथिल अल्कोहल पाया जाता है, याद रखिएगा, जो पीने वाली ड्रिंक होती है ना उसमें एथिल अल्कोहल होता है, मेथिल अल्कोहल पेट्रोल में पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, स्प्रिट बनाने के काम आता है मेथिल अल्कोहल, ये एथिल अल्कोहल होता है। पीने योग्य कौन सा होता है, जो ड्रिंक वगैरह में मिलती है उसकी मात्रा, तो वो एथिल अल्कोहल होता है, ऐसा नहीं किसी भी अल्कोहल को पी लोगे, ठीक है। मिट्टी का तेल होता है, स्प्रिट बनती है उससे, उसमें क्या रहता है आपका, मेथिल अल्कोहल, C2H5 C2, सी कितने, 12 है, 2 की मल्टीप्लाई करके 2 है, H कितना, 1, गुणा कर दी 5 की, क्यों, क्योंकि 5 अणु है। O कितना, 16, क्योंकि O का 16, ठीक है, अकेला है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस 1 और है, एच ये आ गया, तो कितना हो जाएगा, 12 × 24 प्लस 5 × 5 प्लस, और ये 16 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, 16, देखिए ये हो जाएगा 24 और 5 29 29, और 16 ये कितना हो गया, 17 हो गया, और 9 और 7 कितने हो गए, 16, यहाँ से 1 2 3 और 4 46 हो गया, ठीक है। तो इसका एथिल अल्कोहल का कितना हो गया, 46 अणु भार हो गया। अब आ जाते हैं इसके अणु भार पर, समझ में आ रही है, समझ रहे हो चीजों को, चीजों को सीख लो बहुत अच्छे से। ये आ गया विरंजक चूर्ण, इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीच करवाते हो, ब्लीचिंग पाउडर, तो वो है आपका ब्लीचिंग पाउडर, क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक, इसका नाम है। अब देखिएगा विरंजक चूर्ण भी नाम इससे जोड़ते हैं, कैल्शियम, कैल्शियम का कितना है, कैल्शियम, कैल्शियम का है 40 प्लस, ओ, ओ का है 16 प्लस, और ये सी नहीं है, अलग अलग मत करना, ये सी एल, एक अणु है क्लोरीन, सी एल, सी एल का कितना, 35.5 गुणा 2,
तो कितना हो जाएगा 40 + 16 + 35 × 70 और 71। 35.5 की जब मल्टीप्लाई करेंगे दो में तो 71 हो जाएगा। इनको जोड़ लो 6 और 1 7 की 7, 7 और 1 8 8 4 12 127 हो गया। क्या हो गया? 127 हो गया। अब ये देखिएगा इसका, देख लो भाई इसका अनुभार कितना हो जाएगा, ध्यान से समझ लो। CaCl2CaCO3 चौक जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर का भी फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को ही बोलते हैं चौक, जो चौक खड़िया जो होती है उससे लिखते हैं। तो ये CA का कितना 40, C का है 12 प्लस O3, O का कितना 16, गुणा कर देंगे 3 तो कितना हो जाएगा 40 + 12 + 16 = 48। तो कितना हो जाएगा 48 × 2 = 50 + 10 = 60 + 40 = 100 हो गया टोटल, ठीक है। तो समझ में आई 100 किसका है, 100 इसका है, याद रखिएगा 100 इसका हो गया ये, ठीक है। हर चीज का अपना अपना अलग अलग तरीके से, जल्दी से जल्दी इसको कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक, फिर आगे कराता हूँ मैं, ठीक है। जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत अच्छे से, फिर आगे मैं बढ़ाता हूँ, आगे कराता हूँ। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O, N2O का कितना हो जाएगा देखिएगा, N का 14 गुणा दो अणु है 2 प्लस O का कितना 16, 14 × 28 + 16 कितना हो जाएगा 8 × 6 = 14 2 × 3 = 4 = 44 हो जाएगा। देखिए 8 × 6 = 14 + 1 = 2 × 3 = 4 हो गया 44, ठीक। चलिएगा मैथेन CH4 कितना हो जाएगा, C का हो गया 12 प्लस H का 1 गुणा लगा देंगे 4, 4 क्यों लगा दी, C अकेला है तो 12 प्लस H कितने H है, H का होता है 1 लेकिन 4 की मल्टीप्लाई क्यों पड़ती, क्योंकि 4 अणु है, तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 4 × 4 12 × 4 हो जाएगा 16, ठीक है। ये क्या है मार्स गैस, इसी को बोलते हैं मैथेन या मीथेन, मीथेन के नाम से भी इसे जानते हैं या आप मैथेन भी बोल सकते हो, ठीक है। चलिएगा लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, हंसाने वाली गैस, इसको सूंघ लेता आदमी बहुत देर तक हंसता रहता है इस तरह से, ठीक है। चलिएगा और ये आ गया सिरका, सिरका समझते हो, चाउमीन बहुत खाते हो जो काला सा उसमें डालता है सिरका, वो होता है सिरका। सिरका भी कई तरीके होते हैं, गन्ने का सिरका अलग होता है, फलों का सिरका अलग होता है, और आपका सफ़ेद सिरका अलग होता है। उसमें दो तरह का सिरका डालते हैं चाउमीन में, चाउमीन जो बनाते हैं एक काला सा डालते हैं एक वाइट कलर का डालते हैं, वो दोनों सिरका होते हैं, ठीक है। चलिएगा सिरका का फॉर्मूला क्या है, ये रहा एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH कितना है, सी का है आपका देखिएगा सी का 12 प्लस एच का 1 गुणा लगा देंगे 3, सी आ गया फिर से 12, ओ कितने हैं 2 हैं तो 16 + 16 प्लस H कितना है 1 है, बात खत्म, ठीक। चलिएगा ये तो कितना हो जाएगा आपका 12 प्लस 3 × 3 प्लस 12 प्लस 16 × 2 कितना हो जाएगा 32 और 33, ये जोड़ दिए 16 × 2 = 32 32 और 33 कहीं को जोड़ दो, और ये देखिएगा ये कितना 12 और 3 = 15 या ऐसे कर लो 12 × 24 = 27 और 27 में 33 जोड़े 7 × 3 = 10 3 × 2 = 5 और 1 = 60 कितना आ गया 60 आ गया, ठीक है। चलिएगा क्लियर होगी बात, चलिए आगे क्लोरोफॉर्म, फिल्मों में दिखाया होगा कि एक छोटी सी बोतल होती है उसमें से लगाएगा रुमाल को और ऐसे करके सुंघा देता है और मूर्छित हो जाता है। वास्तव में क्लोरोफॉर्म का जो असर होता है 5 से 8 मिनट में होता है, यदि आदमी सूंघ ले तो पहले उसके सिर चकराएगा, हल्का हल्का दर्द महसूस होगा, उसके बाद में वो बेहोश होगा। ऐसा नहीं है कि फिल्मों में दिखाते हैं कि रुमाल लगाया और ऐसे करके तुरंत तुरंत ऐसे हो गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। 5 से 8 मिनट लगते हैं, यही है क्लोरोफॉर्म, ठीक है। CHCl3 क्या है, सी का 12 प्लस एच का 1 प्लस Cl का कितना है 35.5 गुणा कर देंगे 3 तो कितना हो जाएगा 12 × 13 प्लस 3 × 5 = 15 / 5 हासिल 1 3 × 15 = 16 3 × 9 = 10 एक अंक बाद पॉइंट तो कितना हो जाएगा 6 × 3 = 9.5 और 1 और 1 119.5।
अभी आ गया फिनॉल। फिनॉल तो आप जानते ही हो, इसका कमेंट करके मुझे बताइए इसका कितना होगा फिनॉल C6H5OH। फिनॉल का आप मुझे कमेंट करके बताइए अणुभार कितना है। आई होप कि आप अणुभार अब सभी यौगिकों के निकाल लोगे। अब अणुभार के बाद में आता है तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, तो वो हम आगे की वीडियो में बताएंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे कुछ ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।